जाने का मौका आया, अदालत हिसाब किताब देने का मौका आया तो व्हील चेयर पे बैठ गए, कभी प्लास्टर चढ़ा लिया टांग के ऊपर। 6 महीने में बिल्डिंगों के लेंटर उतर जाते, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरता। उसकी वजह यह है कि जब चोरी की होती है ना, जब इंसान का दामन आलूदा होता है, जब इंसान के हाथ चोरी से रंगे हुए होते हैं, तो फिर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है टांग पर। और जब आपके लीडर की तरह दामन साफ हो, नवाज शरीफ की तरह हाथ साफ हो, तो नवाज शरीफ शेर की तरह 200 पेशियों पे सीना तान की अदालत में पेश होता है। जब इंसान बेगुनाह होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से बहादुरी उसके सीने में आ जाती है। मैं भी सजाए मौत की चक्की में रही, 5 महीने कोट लखपत जेल में सजाए मौत की चक्की में रही। एक दिन मैंने रोना पीटना नहीं किया, मैंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, गुजर जाएगी, नवाज शरीफ की और वतन की मोहब्बत में मेरी जान भी जाती है तो जाए। और देखो आज मकाफात अमल के शाहकार हमें चारों तरफ नजर आते हैं, चारों तरफ नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून तो एक सियासी जमात थी, एक नजरियाती जमात थी, बर्दाश्त कर गई, मगर ये जमात इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, ये इसको शर फैलाने के लिए लाया गया था पाकिस्तान में, जिसने हमेशा अवाम को यही सबक दिया कि मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, गर्दन से घसीट लो, आग लगा दो, तोड़ दो। तो ये सब गालम गलोच और इल्जामात पे जिंदा थे। आज देख लो अल्लाह ताला का करना, आज बैठ के किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं की है। एहसन इकबाल साहब की मैंने आपको मिसाल दी, ये आपके एमपीएस और एमएनएस के कैंडिडेट्स खड़े, किसी एक ने नहीं कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ को छोड़ते हैं। सब नवाज शरीफ के साथ एक अहनी दीवार की तरह खड़े रहे। और मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूँ, जिस तरह आपने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ निभाया, आज जो वक्त हम देख रहे हैं अल्लाह के फजल से, ये आपकी कुर्बानी और इस्तकामत का भी समर है। आज भी जितना रिलीफ इनको अदालतों से मिल रहा है, वो मुस्लिम लीग नून ने कभी आज तक नहीं देखा। तो मैं जफरवाल से, शकरगढ़ से, नारोवाल से ये कहना चाहती हूँ, और मैं एहसन इकबाल साहब से भी कहना चाहती हूँ। एहसन इकबाल साहब, जिस तरह नारोवाल में आपने तरक्की दिन रात की, नारोवाल को सजाया, नारोवाल को बनाया, अब ये आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम शकरगढ़ को और जफरवाल को भी इसी तरह सजाएंगे और बनाएंगे और तरक्की देंगे इंशाल्लाह। और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि आपका मुतालबा है कि नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन को बहाल किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये वादा रहा कि आप शेर को वोट दो, यहां से शेर जीतेगा। इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब से कहकर ये नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन को हम बहाल कराएंगे। और यहाँ नौजवान कितने, जरा हाथ खड़े करो, वो माइनॉरिटीज भी मौजूद है, मैं आप सबको भी सलाम करती हूँ। नौजवान जरा हाथ खड़ा करें, बताओ नौजवानों, में आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे ऊंची आवाज में जवाब देना, आपको अपने हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स चाहिए या लैपटॉप्स चाहिए, आपको नौकरियां, तालीम, रोजगार चाहिए या किलो वाले डंडे चाहिए। मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजल से वो वाहिद जमात है जिसमें नौजवान भी उतनी बड़ी तादाद में है, बहने बेटियां भी इतनी बड़ी तादाद में है, बुजुर्ग भी इतनी बड़ी तादाद में है। मुस्लिम लीग नून तमाम लोगों की जमात है अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो मैं नौजवानों से ये वादा करके जा रही हूं कि शेर पर इतनी मोहरे लगाना कि किसी घर में कोई नौजवान बेरोजगार ना रहे, और शेर पे इतनी मोहरे लगाना, इतनी मोहरें लगाना कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से एक ही आवाज आए, क्या आवाज आए, क्या आवाज आएगी,
8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में शेर की धार सुनाई देगी। 8 फरवरी पाकिस्तान की फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। 8 फरवरी आपकी फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। 8 फरवरी 9 नवाज शरीफ की फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। और 8 फरवरी के बाद एक एक करके आपकी सारी तकलीफें, आपके सारे मसाइल, आपके सारे दुख दर्द एक एक करके अल्लाह ताला आपसे दूर ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा दिल नहीं कर रहा आज घर वापस जाने को, मेरा दिल चाहता है मैं आज यहीं खड़ी रहूं। आप सबका मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूं। और मुझे अफसोस है कि आज नवाज शरीफ साहब आते तो अपनी आंखों से देखते। नारोवाल जिंदाबाद, शकरगढ़ जिंदाबाद, जफरवाल जिंदाबाद, और आखिर में मेरे साथ दो नारे लगाना, नवाज शरीफ। नहीं नहीं सही तरह आवाज नहीं आई, नवाज शरीफ पाकिस्तान जिंदाबाद।